वो ईडब्ल्यूएस जो आपने 10% दिया है उसका 12.5% कैसे करेंगे मुझे बता दीजिए, क्योंकि हम तो सारे के सारे जो ए पे पे कमीशन के अंतर्गत आते हैं, आप हमें डिवीजन करके कैसे डिवीजन करेंगे? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में आज हम एकत्रित किए इस मैसेज के साथ हुए हैं कि जो मंत्रिमंडल की जो पिछली बैठक हुई थी उसके अंदर एक ओबीसी विसंगति को लेके जो संशोधन किया जा रहा है उस फैसले पे हम सहमत नहीं हैं। हम अपनी नाराजगी दर्शाना चाह रहे थे, इसलिए हम एकत्रित हुए हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि सैनिक का अगर मनोबल गिर गया, सैनिक जो है वो एक सैनिक धर्म के लिए काम करता है, देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए काम करता है। और हम आपको बता दें, हमें किसी जाति विशेष से कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है। आज जो हमारे साथ किया जा रहा है कंपार्टमेंटलाइजेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर वर्टिकल रिजर्वेशन आप कर रहे हैं, उससे हो क्या रहे, जो हमारी 100 सीटें हैं वो 33 हो गई है, एक तिहाई कम हो गई है। आपको मैं बता दूं, मीडिया लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ है, उसके माध्यम से कि जो हमारा सैनिक सियाचिन के अंदर है वो आ नहीं सकता हमारे साथ, लेकिन हमारे भाइयों के फोन आते हैं क्योंकि 2-3 साल के बाद वो भी रिटायर होंगे और वो भी हमारे साथ होंगे। तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो हमने आज जद्दोजहद की है, मैं सरकार को बताना चाहता हूँ ये मनोबल गिराने वाला है। और देश का मनोबल, सैनिक का मनोबल अगर गिर गया तो अखंडता और संप्रभुता का बना रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि पुनः इस पे विचार करें, हमारे डेलीगेट्स को बुलाएं और हम बताएंगे कि समायोजित जहां पे त्रुटि हो रही है वहां पे आपको ध्यान देने की बात है। 1988 से लेके 2022 तक जब मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी तब तक कोई इसमें जो 17/4/2018 की बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही चेंज किया गया था, वो था 5% ग्रुप ए के अंदर, उसके अलावा कोई संशोधन नहीं किया गया है। तो ये जो भ्रांतियां फैलाई गई है वो गलत है। और आप जो 21% ओबीसी है वो ओबीसी रहेगा, ओबीसी से हम छेड़छाड़ नहीं करने की आपको बात कर रहे हैं। आज जो है हमारा सिर्फ एक सांकेतिक जो हमारा रैली थी, अब हम कल 6 तारीख को हम जो यहाँ सभी भाई इकट्ठे हुए वो वहाँ जाके हमारे जयपुर और पूरे प्रांत के हमारे प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक है उनको लेके एक सरकार को मैसेज देंगे कि हमारे डेलीगेट्स को बुलाए और इस पे, क्योंकि रिजर्वेशन एक बहुत संवैधानिक मामला है, बहुत संवेदनशील मामला है, तो इस पे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करें। देखिए, मैंने पूर्व में भी आपको बताया कि सैनिक धर्म की हम यहाँ पालना कर रहे हैं, हम राजनीतिक की बात, हमारे साथ कोई भी राजनीतिक जो है नेता पूर्ण रूप से जुड़े हुए नहीं है। हम तो आग्रह कर रहे हैं कि राजनीतिक मंच नहीं है, भाजपा, कांग्रेस, RLP, आम आदमी पार्टी जो भी है वो हमारे साथ आए और साथ जुड़ के इस देश को अखंडित और संप्रभुत बनाए। आप एक तरफ तो बोलते हैं कि अग्निपथ स्कीम आने से हमारा देश जो है कमजोर हो रहा है, 4 में से 3 को तो आपने पहले आउट कर दिया, एक जो पीछे बचा वो 15 साल बाद आने के बाद मुख्य धारा में, मुझे ये बता दीजिए कैसे सम्मिलित होगा जब आपने सीटें ही कम कर दी, 100 में से आपने 33 सीटें कर दी, तो चाहे वो SC का हो, ST का हो, OBC का हो, किसी वर्ग का हो, वो कैसे होगा? और मैं तो आपको ये बताना आया हूँ कि वो EWS जो आपने 10% दिया है उसका 12.5% कैसे करेंगे मुझे बता दीजिए, क्योंकि हम तो सारे के सारे जो ए पे कमीशन के अंतर्गत आते हैं, आप हमें डिवीजन करके कैसे डिवीजन करेंगे? क्या मैं ये किसी वर्ग से, मैं किसी वर्ग से हूँ तो आपको EWS आपको मिलेगा ही नहीं, तो वो 10% कहाँ जाएगा, उसका कंपार्टमेंटलाइजेशन कैसे करेंगे? कृपया करके मैं मीडिया से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो भी जाति भाई हैं आपके, आप झुंझुनू, आप सीकर, कहीं पे भी चले जाइए, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बच्चे इस जुनून के साथ जाते हैं कि हमारा देश का झंडा ऊंचा रहना चाहिए, चाहे जाति, चाहे हम वापस आए। और मैं आपको कहता हूँ कि हमें गले लगाइए, हम आपके दुश्मन नहीं हो सकते, हमें आपका हक नहीं मारना है, हम आपके भाई हैं, प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिए। और संख्या बल जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, लोगों को समझ में आ रहा है, मैं मीडिया से पुनः अनुरोध करूंगा कि आप अपने माध्यम, क्योंकि हमारा जो जवान सेवारत है वो हमारे साथ नहीं आ पा रहा है, तो आप ये जो आवाज़ है ये सरकार तक पहुंचाइए। और हमारी पुनः सरकार से निवेदन है कि इस गंभीर विषय पे पुनः डेलीगेट्स बुलाएं और प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ दोनों पार्टीज़ का, दोनों हमारा
जो ओबीसी विसंगति वाली जो है डेलीगेट्स और हमारे डेलीगेट्स की एक चर्चा करें और उसके बाद हम बताएंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं। बहुत से चीज़ हैं जो आपको सैनिक का मनोबल बढ़ाने के लिए करनी चाहिए, लेकिन अभी तक वो मुख्य धारा में आने के लिए हमें सड़कों पर आना पड़ रहा है। तो जोधपुर के अंदर भारतीय सेना से रिटायर्ड सैनिक और अफसर जो थे वो आज इन्होंने धरना प्रदर्शन किया और जोधपुर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। और कल जो है जयपुर के अंदर इसी प्रकार राजस्थान के पूरे सैनिक जो हैं रिटायर्ड सैनिक वो अपना धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार द्वारा आरक्षण के अंदर की गई छेड़छाड़ से ये सैनिक पूरी तरह नाराज दिखे। वीडियो शेयर करें, पेज फॉलो करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।